घर चला रहे हैं। अभी बच्चों के फीस, अगर फीस एडमिशन बने तो लेते बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बच्ची जो है हैंडीकैप है, सुने भी नहीं आता, सुने नहीं आता, बोलने नहीं आता। ओके, और ये जो ठहरो माँ, ये देखो आप बच्ची का बोलते बोलते आप वो खर्चे में चले जा रहे हैं, खर्चे का बोलते बोलते आप फीस में चले जा रहे हैं। पहले एक के बाद एक इशू बोलो आप, पहले बोलो आप बच्ची को क्या मदद होना, बच्ची के लिए क्या इलाज कराना चाह रहे हैं आप। स्कूल में ही बच्ची कौन से स्कूल में है? अब तक नहीं डाली, उनके पास से लिखा के लिए। उनके किसके पास से? स्कूल में पहले एडमिशन कुछ बने तो ही भाई को एडमिशन। नहीं नहीं, अब ये नॉर्मल स्कूल में तो नहीं पढ़ते ना ये बच्चियाँ, इन लोगों का अलग रहता ना स्कूल रहता, मगर बहुत दूर है सर जी, बहुत दूर है, मैं लाना ले जाना बोले तो बस किराया होता। आप मेरी बात समझे, मैं जो बोल रहा हूँ सो, जो फिजिकली हैंडीकैप रहते, जैसा ये बच्ची को सुने नहीं आ रहा, बोलने नहीं आ रहा, ये आम स्कूल में नहीं पढ़ सकती ना बच्ची, तो लेते भरो सर। नहीं नहीं नहीं, क्या करते लेके, उल्टा बच्ची को और मेंटल टेंशन हो जाएगा ना। अब उन्होंने देखो उन्होंने क्या पढ़ा रहे हैं बच्ची समझ सकती? बोलो आप ज़रा मेरे को जवाब दियो आप। ये आपकी बच्ची का सर्टिफिकेट है, तो ये जो है फिजिकली हैंडीकैप मेंटली चैलेंज वालों का अलग स्कूल रहता। कहाँ है दूर? जुबली बस स्टैंड जाना पड़ता। आपका घर कहाँ है? सिकंदराबाद में। तो रोज़ एक ऑटो को लगाओ आप, भेजो लाओ, मैं करता हूँ इंतज़ाम। आप पढ़ाने राजी है बोलो, मैं करता हूँ इंतज़ाम। आप पढ़ाने राजी है? आप कल वो स्कूल को जाओ जहाँ पर जो मेंटली चैलेंज फिजिकली हैंडीकैप का जो स्कूल है ना, वहाँ जाओ, वहाँ जाके जो है आप पूरा फीस स्ट्रक्चर लेके आओ। आपको बच्ची को जो वहाँ भेजते ना पढ़ाने, वो क्या खर्चा आ रहा है, स्कूल की बस है या ऑटो है, ये पूरा आप डिटेल लेके मेरे कहने आओ, वो मैं पूरा आपको एक साल के पैसे दिला देता हूँ। अच्छा। फीस भी दिला देता हूँ, ऑटो के पैसे बोले ऑटो के, बस के पैसे बोले बस के पैसे दिला देता हूँ। तो ये हो गया बच्ची का मसला। अब बोलिए दूसरी क्या बात है आपका, ये फीसा किसके हटा लो ये, अब बोलिए लॉकडाउन में आप ये क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है ये? नहीं, इसका छह बच्ची का ही है। ठीक है, ये हटा लो, ये बाजू रख लो, पकड़ लो मैं। लॉकडाउन में जो है चीज़ें रख के घर चला ली सर। आपके शोहर क्या काम करते हैं? चुनने का काम करते हैं, अब तो वो भी नहीं चल रहा। क्या है कहाँ पर? मुथूट पे रखा है, एक 21,000 का एक है और एक 35,000 का है। अब तो मिट्टी भी नहीं बढ़ती, अभी डबल होते जा रही सर। हाँ, आप नमाज पढ़ते हैं आप? जी हाँ। ये क्या है ये भी? क्या करना? नहीं क्या करना, नहीं देखो माँ, अल्लाह ताला आपको सोना दिया, बेच देना, फिर पैसे दिया तो फिर खरीदना। अब इसमें क्या हुआ, अब आप सूद में जा रहे हैं आप जो है लोगों की दुनिया बनाने जाके आप अपनी आखिरत ख़राब कर ले रहे हैं। आप समझे मेरी बात को? नहीं समझे आप? मैं अगर तो कुछ बोल रहा हूँ माँ, आपको पैसे देना लेना ज़रूरी नहीं है। आप अल्लाह ताला आपको सोना दिया था ना, तो आप कुछ भी बेच देना था, बेच के घर चलाना था, बाद में अल्लाह दिया तो फिर ख़रीद लेना था। अब आप 21,700 रुपये में कितना सूद बन रहे हैं आप बोलो मेरे को? अब तक नहीं बने सर, रखे जब से नहीं बने। रखे जब से? कब रखे, कौन सी तारीख को रखे आप? अब ये ड्यू डेट जो है मार्च 2022 से पहले आप छुड़ा लेना, अगर नहीं छुड़ाए तो डूब जाता फिर। तो ये अच्छा है, डूबना अच्छा है या वो बेच के पैसे लेना अच्छा था बोलो? आप कुरान तो तर्जुमे से पढ़े ना, सूद के बारे में क्या लिखा है अल्लाह मियाँ? सबसे ज़्यादा शिद्दत जो है दो तीन चीज़ों में करे अल्लाह मियाँ, क्या करे? तो एक जो है शिर्क, शिर्क के मामले में अल्लाह मियाँ बहुत सख्ती से बोले। एक जो है सूद के बारे में अल्लाह मियाँ बहुत सख्ती से बोले। तो खैर, आप अल्लाह से दुआ करो, इसका ये छुड़ाने की कोशिश करेंगे, किसी को बोलेंगे, मगर नेक्स्ट टाइम आप, अब अपने औरतें क्या कर रही हैं, अब मैं आज छुड़ाया फिर कल लेके जाके डाल दे रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा, मैं भी गुनाह में शामिल हो जा रहा हूँ ना। हाँ। आपकी मदद करके मैं गुनाह में शामिल हो जा रहा हूँ। ठीक है, ये भी कराएंगे आप, और क्या है बोलिए? ये बच्चे और एक 10th क्लास में है उनका, वो उनकी फीस जो 10th क्लास वालों की। कितने बच्चे आपको? तीन है, बच्चा छोटा है। तो एक तो ये हो गया जो बच्ची आपकी फिजिकली इम्पेयर्ड है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, आप जो है वो सा करा, आपके ना अकाउंट है गूगल पे आपके ने कहाँ है बताओ, अकाउंट गूगल पे बताओ। एक मिनट, कौन देखते हैं इनका, ज़रा जाओ उधर जाओ आप, वो लोग चेक कर रहे हैं सबके अकाउंट है गूगल पे। बोलिए मां, कोटेशन लिखा के लेके आओ। बोले एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा है माँ? ये
ऑपरेशन का है ये। कहीं का ऑपरेशन है? और हिस्टोलॉजिकल का। ओके ओके, कहाँ है वो कोटेशन बताओ? लैप्रोस्कोपी और हिस्टोलॉजिकल जी 55,000। और ये फिब्रॉइड्स का भी थोड़ा है, लैप्रोस्कोपी फॉलिकुलर स्टडी करना पड़ता है बोले। पहले कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं आप? दो करते एक साथ कर देते बोले। तो एक को 2.5 लाख हो रही? नहीं 25,000 है। सॉरी, एक को 25,000 हो रही, एक को 50,000 हो रहे हैं, 55,000 हो रहे हैं, जुमला कितने हो रही? ठीक है, आपके ने अकाउंट वगैरह रेडी है? ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ आपकी अपील, ये बाद में नेक्स्ट मंथ, आप उस दिन समझाया ना मैं, पहले आप ऑपरेशन करा लो। ये जो खर्जे वर्जे हैं ना, आपकी सेहत रहेंगी तो आप दूसरों का देखेंगे ना। आप देखो, आप पूरा शहर सूद में डुबा हुआ है। ये हमारे हस्बैंड नहीं करा रहे थे, 20,000 से हम करा ले रहे थे सोना। कितना ये टोटल कितना है? ये 30,000 होगा ये। हाँ 30,000। ठीक है, आप इधर आओ, इनका इमीडिएट अभी वीडियो बनाओ, मेरे को पोस्ट करो, अकाउंट डिटेल्स पूरा दियो मेरे को इनका। बोलिए अम्मा, बच्चे की फीस बनने का है। कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आपका? आयशा है मेरा नाम। अच्छा, तो शोहर नहीं है मेरे, छोड़ दिया, डाइवर्स हो गया उनका 3 इयर्स पहले। दो बच्चे हैं मेरे को, ये बड़ा बच्चा है थर्ड स्टैंडर्ड में, इसकी फीस बनने का। एक ही केस है आपका, खाली बच्चे की फीस बनना है? ठीक है, आप जाओ उधर, आपके अकाउंट गूगल पे है? हाँ जाओ, आप उधर जाओ। आप एक मिनट अम्मा, वो चेंज करके देते, जाओ आप, ऐसा मत आओ, आप जाओ बच्चे। और मेरा तुआल दो बार आने साथ हालत हो गई, मैं बोली ना ज्यादा भी ऐसी हालत हो गई। पैसे क्या हुआ कि आपकी बच्ची है, बच्चा ही है, बेटी है मेरी? क्या हुआ? बोली थी ना मैं तबियत खराब, अभी सीरियस हो गई बच्ची, ज्यादा भी 2-3 बार रिव्यू भी, दो बार कुछ भी नहीं बस। नहीं नहीं, आप जो है कहाँ रहते आप? हाँ, तो आपका आपका मैटर बना है? ऐसा पकड़ लीजिए, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ नहीं बोलो, नहीं हो रहा, बात करते बोलो, गड़बड़ ना। जी बोलिए। दो बार वीडियो बनाए, बच्ची का इलाज करा। एक मिनट, कौन बनाया आपका वीडियो? इनका वीडियो रेडी है? ये शादी का खर्चा भी थोड़ा सा। खैर अम्मा, एक के बाद एक बात करो आप, पहले जो है पहले आपकी बच्ची के बारे में बात करो। हाँ। उसके बाद में दूसरी बात। हाँ। आप लगा क्या कर रही, एक साथ 5 केसेस लेके आके मिक्स कर दे रहे हैं पूरा। आपको पहले इम्पोर्टेंट क्या होना आपको बोलो? बच्ची की तबीयत, बच्ची का देखना है ना। बच्ची अल्फा हॉस्पिटल में एडमिट है, घर में है? घर में है। हाँ घर में है, तो ये बच्ची का इलाज कराते हुए आपको खर्चा हो गया बोल रहे हैं? हाँ, इलाज कराई और शादी का भी थोड़ा हुआ था सर। जी तो जाओ ना, क्या है बताइए आप। आप कोई ये देखो अम्मा, फिर कंफ्यूज कर दे रहे हैं मेरे को। आप कहीं को इतना डिस्टर्ब है, आप बोलो मेरे को। अम्मा देखो, मैं आपकी बच्ची का इलाज के बारे में बात कर रहा हूँ। आप वो पर्स निकाल रहे हैं, वो फोन निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप ये रख दो ये सब अंदर। आप पहले खाली बच्ची का बोलो आप मेरे को। आप बच्ची का इलाज कराते हुए आपको खर्चा हो गया, कितना खर्चा हुआ? जी तो वो खर्चा कैसा करे आप? मैं हमारे बसेली के पास ली थोड़ा। हाँ दारा के पास ली। हाँ उन्होंने 50, उन्होंने 50 ली। ठीक है, 1 लाख रुपए। हाँ, खर्चा हाँ, हो गया। बच्ची को हुआ क्या प्रॉब्लम? उनको खून में इंफेक्शन और रूटीन। ठीक है, अब अच्छी है बच्ची? अब जरा खाना खा रहे हैं, पहले खाना भी नहीं चल रहा था। अच्छा, ये जो इलाज कराए सो ये मेडिकल रिकॉर्ड है आपका? फिर आप नहीं, इसमें भी है मेरा। आप लगा इतना कई को इतना उजलत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। आप लोग शक करते आप ऐसा उजलत करे तो। आप सबर से आराम से बात करो, आप मेरे को भी समझाओ, मैं लोगों को समझाता हूँ, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। आप उजलत उजलत कर रहे हैं आप। तो ये कब से कब तक एडमिट थी बच्ची आपकी? 15 दिन। 15 दिन? 15 दिन का अल्फा हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ आसरा में थोड़े दिन थे।
असरा की भी है पैलेस में। असरा में कितने दिन थी आपकी बच्ची? चार दिन थी। ठीक है, अल्फा में कितने दिन थी? पाँच छः दिन, यानी टोटल 10 दिन आपकी बच्ची दो दवाखानों में थी। ये 10 दिन में कितना बिल हुआ? 10 दिन में 1 लाख बिल हुआ। इधर के 60 भी है, अल्फा में 60 भी है। अल्फा में 60,000 हुए, 30 हुए, असरा में 30 हुए। तो वो 60 और 30 की बिल कहाँ है बताओ आप मेरे को? बिल पूरे बिला है, अलग अलग पूरे नहीं अम्मा, आप इसमें है बोल रहे हैं ना आप? बिला नहीं, अलग अलग दिए, डिस्चार्ज के अलग है, दवाइयाँ के अलग है। नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात, जब अपन दवाखाने से डिस्चार्ज होते ना है बिल, तो पूरी एक बिल बना के देते ना उन लगा? नहीं, एक बिल खाली डिस्चार्ज की दिए सर। वो बिल कहाँ है पूछ रहा हूँ मैं जी, कहाँ है बताओ? कहाँ रहते आप? नूरखा बाजार। आपके शौहर कहाँ हैं? काम पे गए। हाँ, काम पे गए। फिर आप कहीं को ले लेके थैली फिर रही है? उन्होंने नहीं आ सकते आपके शौहर? नहीं, उन्होंने करे तो चलता ना सर जी, घर में कोई भी नहीं करना। पूरे बिला इसमें थे, इसमें भी है। ये मेरे को ये पूरे बिला नहीं होना माँ, अब आप एक काम करो, सुनो मेरी बात। एक बड़ी बिल भी है सर। हाँ सुनिए, मैं अब आप मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी तरफ देखो आप। आप पहले क्या करो, ये पूरे बिला जमा करो। पूरा टोटल, टोटल पूरा। अब तक आप बच्ची का कितना इलाज कराए, यानी अल्फा में कितना हुआ, असरा में कितना हुआ, और घर में रख के आप कितने दवाएं लाए, डिस्चार्ज कराने के बाद में कितने दवाएं लाए, पूरा ऐसा डेट वाइज जमाओ, फाइल बनाओ। एक फाइल बना के आप वो मेरे एक काम करो, पहले जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस है सोमाजुगड़े पे, वहाँ पर आप जाके एक अप्लाई करना, तो CMRF चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है, अगर आप 1 लाख रुपये खर्चा करें तो एक 50-60 हज़ार रुपये आपको फंड्स रिबैक करते हो लोग, समझे आप मेरी बात को? तो आप जो टोटल 1-2 लाख रुपए जो भी खर्चा करे, आप लाख बोल रहे हैं, मैं 2 लाख खर्चा करे बोल रहा हूँ, आप 2 लाख रुपए के पूरे बिला लेके आप जाके पहले वो CM ऑफिस में सबमिट करो। आप सबमिट करके उसकी एक कापी लेके, आपका अकाउंट नंबर, आपका गूगल पे नंबर लेके आप आओ। मैं अपील करता हूँ कि भाई इन्हों ऐसा सा है, बच्ची को इनके ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, ये बच्ची बिस्तर पर है, वो हालत बताएंगे बच्ची की, बता के अपन अपील करेंगे, करे तो आपके अकाउंट में पैसे आते, समझे नहीं समझे आप? तो उससे आप क्या करो, पैसे आने के बाद में आपका जो सोना रहन है, जो आप मकानदार को पैसे देना है, जो आप पड़ोसी से कर्जा लिए, वो पूरा फेड़ो आप, समझे नहीं समझे आप? अब कई को उजलत कर रहे थे, ये बोलो आप मेरे को इतना जी, आप दवा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपको 1 साल के दवा के पैसे दिलाता हूँ, और क्या होना आपको बोलो, महीने कितने हो रहे हैं आपके बच्ची को? 4-5 हज़ार के वास्ते तुम इतना परेशान हो रहे हैं, बोलो अब है तुम्हारे कने पैसे? अब 1 महीने की दवा के है पैसे? मैं देता हूँ मियाँ, 1-5 हज़ार रुपये दियो, एक ये दवा ला के रसीद मेरे को बताते आप। हाँ, बताते। हेलो रखो, ये लो 5,000 रुपये अल्लाह दिया है। आप दवा लेके, आप रसीद लाके और वो पूरा फाइल बना के आप मेरे कहने आओ। आप आए तो मैं क्या करता हूँ, पूरा आपका 1-1.5 लाख जो भी है पूरे पैसे वापस, CM रिलीफ फंड से भी आते पैसे आपको, मैं भी दिलाता हूँ पैसे आपको, ताकि ये लंबी बीमारी है आपकी बच्ची की, ये मेरे को ऐसा दिख रहा आगे चल के और कुछ ख़तरनाक भी हो सकता, जवान बच्ची है, उसको टेक केयर करो, अच्छा खिलाओ, अच्छा ड्राई फ्रूट्स वगैरह, रोज़ गोश्त वगैरह खिलाओ बच्ची को, टेक केयर करो, आप हिम्मत न करो, आप अम्मा हैं, आप हिम्मत हारे तो पूरा घर टूट जाता। हाँ जाओ, अब जाओ, आप कर लेके लाओ मेरे कहने, इनका नाम नंबर लिख लो ज़रा, अपने को ज़रूरत पड़ी तो कांटेक्ट कर सकते। बोलिए अम्मा क्या है आपका? क्या है आप बताइए जी? 2 महीने का ना माफ करें, 4 महीने का देने का है। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते? कितना है किराया महीने का? महीने का 5,000 है। महीने का 5,000 रुपए, कितने महीने देना है आप? 6 महीने देने का था, बोली बोली तो 2 महीने का माफ करें। ठीक है, 4 महीने का देने का है। 5×4=20, 20,000 रुपए देना है। हाँ, 20,000 देने का है। ठीक है, लाइट की बिल नहीं, 1 साल से लॉकडाउन से नहीं बने। कितनी है लाइट की बिल? 11,000 है। ठीक है, 20,000 ये, 11,000 हो, 31,000 हो। आपके शोहर कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? आपके शोहर का बच्ची है ना, 9 साल। इनु आपकी बेटी है? इनु अच्छा, हाँ चार्ज टॉर्चर कर रहे थे इस बहुत के शौहर, ये बच्चे नहीं हो रहा, कभी छोड़ कर बोलते थोड़ा वो सोना रखे थी मेरा, हाँ सोने अभी
कौन है आपकी बेटी? हाँ ठीक है, रहन दो आई रखा के कराई, वो भी छोड़ाने का है आपको? किराया काटो चला था, बच्चा शादी हो गई, मेरे तो ना मेरे कने, अब दूसरा बच्चा है। एक 9000 है, 2020 नवंबर में रखा है आप। कितना सूद बन रही? नहीं बन रही कुछ भी, डूब जाता ही है। 9001 है, 3501 है, 2000, ये कितना है? ये 2000। हाँ ठीक है। आप अब आपको क्या है, किराया देना है? आप अम्मा बेटी एक ही घर में है, अलग अलग है? अलग रहते हैं उनके पास से, ये ऑपरेशन जल्दी नहीं। माँ हमारे कहने कैसा आ रही? चार भवा, दो बेटियाँ, अम्मा एक ही घर में किराए से रह रहे हैं, अलग अलग किराया जो बोल रही? तो इस वास्ते पूछ रहा हूँ मैं, शोहर किराया वो दे लेते, खादिम को एक ऑपरेशन का बस है, ठीक है, वो भी तरकारी बेचते हैं उनके शोहर। हाँ। भी नहीं बोल रहे थे उनके साथ, बहुत करें, छोड़ देती बोले, तुम्हारे थोड़ा करेंगे फिर भी दवाखाना में बताएंगे, बोल के रख रख के इलाज करें। ठीक है, कराए ना। वो आप जो इलाज कराए सो रिपोर्ट कहाँ है? वो दवाखाना में बताते कि वो ये करी बस नहीं। अम्मा आप मेरे को क्या बोले, सुनो मेरी बात एक मिनट। आप बोले मैं ये चीज़ें रहन रख के बच्ची का इलाज कराई, वो इलाज कराए सो दवाखाने के रिपोर्ट हैं कहाँ हैं बताइए? नहीं नहीं, आप जो इलाज कराए बोल रही ना, आपसे मैं बात करा चाहता ना अभी। ये तो ये रोया के ने बताया सो, ये 3 साल से अब जो ऑपरेशन कराना है वो है ये। हाँ। ये आपकी वालदा है नू, ये बोल रही मैं ये रहन रख के आपका इलाज कराई बोल रही। तो ये रहन की डेट और वो इलाज की डेट दोनों मैच हो रही क्या, वो देख रहा हूँ मैं, वो बताइए आप। नहीं अम्मा ऐसा है, देखो ऐसा है, लोग मेरे पे भरोसा करके आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मैं ज़रा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना ना, हज़ारों लाखों रुपए डाल दे रहे हैं लोग, मैं अपील करा तो मेरे को ज़रा थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने दो। आप कहीं को छिड़छिड़ कर रहे हैं आप लोग? मैं आपको ये डेट मैच करा दो ज़रा, आप दोनों बाहर झुक जाओ ज़रा, ये दोनों की डेट मैच करो ज़रा, ये देखो आप, ये ऑपरेशन और ये दोनों की डेट मैच करो, जाओ उधर जाओ, मैं कराता हूँ, सब कराता हूँ आपका, आइए। थोड़ा परेशान हूँ साहब। क्या नाम है आपका? समीरा बेगम। कहाँ रहते हैं आप? शास्त्रीपुरम। बोलिए क्या परेशानी है, बोलिए। 60,000 रुपये कर्जा हो गई है। 60,000 कर्जा? आप यहाँ के हैदराबाद के लोकल नहीं दिख रहे हैं? मैं हैदराबाद के नहीं हूँ। कहाँ के हैं आप? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के कहाँ के हैं? औरंगाबाद के। ठीक है, तो यहाँ कैसा है आप? हमारे हस्बैंड लेके आए थे। तो हस्बैंड भी महाराष्ट्र के हैं, आप भी महाराष्ट्र के हैं, यहाँ पर आके कुछ जीना बसर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये 60,000 कर्जा कैसा हो गया ये आपको? 60,000 कर्जा हमारे बच्ची का हाथ टूटा था स्कूल में। हाँ। तो उसके वास्ते ली थी, तो एक महीना पहले ली थी, तो एक महीने के बाद में लॉकडाउन लग गया। हाँ। तो उसके वजह से खेलना नहीं। तो ये आप हाथ बदल लिए थे पैसे या इंटरेस्ट पे लिए थे? नहीं नहीं, हाथ बदल लिए थे। किससे लिए थे? हमारे बाजू में है पहचान के, हमारे शोहर नहीं है। शोहर नहीं है बोल तो इंतकाल हो गया? नहीं, छोड़ के चले गए। छोड़ के कहाँ? औरंगाबाद चले गए? कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। हाँ, वो जो आप ऑपरेशन कराए सो बच्ची का क्या है, वो जो भी इलाज कराए सो रसीद है आपके? नहीं सर, नहीं है वो रसीद मेरे। सुनिए आप, हाँ। आप बेवा औरत है, मैं आपकी बराबर मदद करता हूँ, आपको 3 बच्चे हैं बोल रहे ना, वो भी मदद करता हूँ इंशाल्लाह। आपके ने अकाउंट है? जीरो अकाउंट है आपके ने? गूगल पे है? आप एक काम करो, आपके अकाउंट में कल जाके बैंक में जाके आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों अटैच कर लो। पैन कार्ड नहीं है सर। बना लो पैन कार्ड, सुनो मेरी बात, आप पैन कार्ड बना लो, 1 घंटे में बन जाता, 100-200 रुपये में बन जाता पैन कार्ड। आधार कार्ड रेक्टिफाई कराओ। आपका आधार कार्ड औरंगाबाद का है यहाँ का है? यहाँ का है। आधार कार्ड बना लो, पैन कार्ड बना लो, आप बना ले के जो है आप जो आपकी बच्ची का जो भी इलाज कराए, ऑपरेशन कराए ना, क्या खाली पट्टियाँ बनाए, ये कराए थे प्लस्टर कराए थे, फिर डिलीवरी के वस्ते लिए थे। तो पूरा आप क्या क्या खर्चा करे, आप मेडिकल में क्या क्या खर्चा करे पूरा रिकॉर्ड होगा ना आपके? वो लेके मेरे कने आप कल या परसों कभी भी आओ, आप जो है अकाउंट गूगल पे आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड, आपका आधार कार्ड, आप किससे कर्जा लिए उनका नाम नंबर, हम जरा इंक्वायरी करते, कई को दिए, क्या दिए, सूद पे दिए या हाथ बदल दिए, देखे
पैसे जो है जो आपको दिए उनको डायरेक्ट रिटर्न कर दे। ठीक है, आइए हटो बाजू, आइए अम्मा बोलिए। हाँ वही आप कौन है, कहाँ रहते आप? सिकंदराबाद। नहीं ये खर्चा कहीं को करे आप, ये वही लॉकडाउन में परेशान हुई। हाँ वही मकानदार को देना था, कर्जा लेके दे दिए। हाँ लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट से नहीं दिए थे, ऐसे दिए थे। मैम आप कर्जा बोले तो लोग आप पे भरोसा करना ना, कोई लिखा पढ़े नहीं। आप इसे पहले भी आए थे ना मेरे कहने, तो मैं बोला ना आपको भाई पूरा डिटेल लेके आओ, बोला आपके अकाउंट गूगल पे रेडी है आपके ने। तो अब एक्चुअल समझो मेरी बात को, अब हमारे कहने ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं, 60,000 कर्जा है, 50,000 कर्जा है, तो मैं सामने वाले को कैसा यकीन दिलाऊं कि वाकई इन्हों कर्जा लिए बोल के? कोई लिखा पढ़ी नहीं रहती अपने कहने, हाथ बदल ले लिए होंगे आप, मैं यकीन कर रहा हूं आप पे, सामने वाले को कैसा यकीन दिलाऊं? तो आप समझे मेरी बात को, आप कुछ दूसरी चीज़ लेके आओ, मैं मदद कराता हूँ। कुछ अगर घर का किराया बनना है, आपको कुछ काम करना चाह रहे हैं आप, फोन में भी बात कर सकते सब ऐसा कुछ नहीं। देखो अब मैं यहाँ क्या हो रहा बोलूँ मैं आपको, भाई को मकानदार बना लेके आ रही हूँ। अब मैं फ़ोन पे बात करे तो भाई बोल रहे हैं हाँ मैं मकानदार हूँ, किराएदार है बोल रही। तो आप आए अम्मा सुनो मेरी बात, मैं नहीं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ लिखा पड़ ही रहना ना, तो मैं बराबर आप एक मिनट नहीं लगते मैं आपके 20,000 रुपये फेर देता हूँ, मगर मैं सामने वाले को बोल के आपका काम कराना। अच्छा आपको टेलरिंग आता? आपको नहीं आता, नहीं आता। क्या काम, अब आपके शोर क्या काम करते हैं? पेंटिंग का करते हैं। पेंटिंग का, कितने बच्चे आपको? दो बच्चे हैं आपको। मैं मशीन दिलाता हूँ, टेलरिंग सीखो आप, आप मेहनत करो, खर्चा फेर लो आप। मैं आपको 20,000 की मशीन दिलाता हूँ, 15,000 का मटेरियल दिलाता हूँ आपको मैं। टेलरिंग आता आपको? अभी तो नहीं सीखा। सीख लो, 8 दिन में सीखते, कोई भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। आपको टेलरिंग के लिए जो पैसे जो चार्जेस होते हैं ना, 4-5,000 रुपये लेते हैं उन लगा टेलरिंग के क्लासेस सिखाने, तो वो आप टेलरिंग सीख लो, मैं आपको मशीन दिलाता हूँ, कपड़ा दिलाता हूँ, आप मेहनत करो, खर्चा फेर लो। ठीक है, अब देखो अब आप जिद पकड़े हुए है 20,000 रुपये फेड़ो बोल के, अब मैं वो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे को जो है आई नीड सम प्रूफ। ठीक है लेके आओ प्रूफ, लेके आओ, आइए। क्या चीज़? फाइल जो है 17/18/19 की है। हाँ ये जो है ऊपर एक डेट लिखा के ला रहे हैं, नीचे छोड़ा दिए तो डेट है। हाँ ये पूरे 21 के तो समझा उनको, बताओ उनको। आप वो लेके आओ, हम आप और एक चेयर ला दो ना, इन लंबी बैठते जी बोलिए। एक चेयर लाओ वहाँ से और एक बोलिए अम्मा। स्कूल की फीस है, वो बच्चे एक 10th का एग्ज़ाम दी थी गए साल, तो उसकी टीसी मेमो नहीं दे रहे, हम फीस नहीं भर रहे थे। नहीं माँ, आप कौन है, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद बेगम है, मैं तालाब कट्टे में रहती हूँ, मेरे को 6 बेटियाँ हैं। तालाब कट्टे में रहते हैं, 6 बेटियाँ हैं माशाल्लाह। हाँ बेटा है, हमारे घर वाले ऑटो चलाते हैं। माँ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप लगा, अच्छा काम चल रहा ना? हाँ हमारे घर वाले ऑटो चलाते थे, वो फाइनेंसर पकड़ रहा बोल के ऑटो रख के नारियल बेच ले रहे हैं। अच्छा, तो आपके शोहर का जो ऑटो में जो फाइनेंस है, फाइनेंस है तो पकड़ रहे हैं। एक मिनट बैठो, आप जरा इधर बैठो, इधर 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 डालो, बैठो बोलिए। मदद करना, मेरे को 6 बेटियां हैं, एक बेटा है, हमारे घर वाले ऑटो चलाते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ रही है? गौसिया मेमोरियल हाई स्कूल, तालाब कट्टा, भवानी नगर। ये माँ इतनी, देखो आप 14,000, 15,000, 20,000, 10,000। हाँ लॉकडाउन लगे जब से स्कूल को भी नहीं गए, पीछे ऑटो बंद हो गया ना हमारा। 61,000 एकदम, इतने कौन बनते बोलो माँ पैसे? पूछते नहीं तो कुछ मदद करो तभी, नहीं तो फोन करो तो एक एक बच्चे। आपका आधार कार्ड, आपके ने गूगल पे अकाउंट है आपके ने, बताओ। जल्दी जल्दी करो माँ, बहुत है लाइन। ये क्या है? ये अकाउंट नंबर कहाँ है आपका? बैंक की पासबुक कहाँ है आपकी? आपका नाम है शहजाद बेगम जी। आप मेरे गूगल पे दे रहे हैं शाहीन बोल के, तो ये शाहीन का अकाउंट नंबर कहाँ है? अकाउंट नंबर तो क्या है? नहीं नहीं आप सुनो मेरी बात जी।
अपन जिसका गूगल पे नंबर देते ना अच्छा। उनका ही अकाउंट नंबर भी देना तो, मैं तो आप जरा सुनो मेरे अच्छा। लोग कंफ्यूज हो जाते नहीं, मैं कंफ्यूज करना नहीं स्वास्थ्य आप क्या करो आपके शोहर को लेके आओ मेरे घर कल लाओ भाग जा रहा हूँ क्या मैं या आप भाग जा रहे हैं आपका काम होना नहीं होना नहीं होना तो है होना है ना मैं जैसा बोले वैसा सुनो आप आपकी कोई पढ़ी लिखी बच्ची है तो लाओ और आपके शोहर को लाओ दोनों जने आओ मैं समझाता हूँ क्या करना वो जो बच्ची का फ़ोन है वो लेके आओ अच्छा। हम उसमें चेंजेस करते हो अच्छा। अकाउंट फॉर्म करके उसको अकाउंट को अटैच करा के कराता हूँ तो मेरा अकाउंट में नहीं होता आपका गूगल पे है आपके ने फ़ोन कौन सा है छोटा फ़ोन है फिर स्वास्थ्य बोल रहा हूँ मैं जाओ लेके आओ आप पूरा डिटेल करा के आपके शोहर को आपकी एक बच्ची जो अच्छा पढ़ती जिस ये शाहीन कौन है उनको लेके आओ मैं पूरा समझाता हूँ आप मैं समझाया तो आप नहीं समझ सकते ना बैठी आपका नाम क्या है आप कहाँ रहते हैं तलापट्टे में रहते 11 नंबर पे हाँ 5,500 से किराया था 7 महीने का 2 महीने का दिए 5 महीने का देना है हाँ हमारे मरद बगरची का काम करते हैं कभी लगाते जाते नहीं हाँ प्रेग्नेंट है गवर्नमेंट में बता रहे परेशान ठीक है माँ आप तलापट्टे में कहाँ रहते हैं आप 11 नंबर पे इधर आप हट जाओ माँ आप इनके साथ आए क्या पूरी टीम आई क्या एक साथ फिर हट जाओ उधर जाओ आप लगा हो गया ना आपका काम जी 11 नंबर पे नाले पे रहते चाचा ये रिस्क करने अच्छा वो हमारे तालाब कट्टे वाले कहाँ इधर बुलाओ उनको फिरोज मियां को नहीं भाई नहीं घर पे नहीं जी अभी मैं नहीं 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 मियां कहाँ है बुलाओ कहाँ जा रहे हैं अम्मा क्या कर रहे हैं इधर आओ साहब ये जरा कल लोकल इंक्वायरी करो तालाब कट्टे में कुछ कितने महीने का देना है 5 महीने का है आप इनका नंबर रख लो कल आप जैसा जाके उनकी इंक्वायरी करें ना ऐसा लोकल इंक्वायरी करके आप आओ मैं कराता हूँ आपका अकाउंट गूगल पे सब पूरा लेके आओ इधर से निकलो बाहर आप बैठिए मेरा नाम रेशमा है जरा इधर की गड़बड़ बंद करो बाबा पूरा हट जाओ यहाँ से बोली लिख के लाई थी ना अकाउंट नंबर वो आप जब मेरे लिए रशीदा बीबी का नहीं करते बोल के बोली थी ना हमारे मियां हां हाउ ड्राइवरिंग की ड्यूटी करते हैं अभी नहीं कर रहे हां फीजा है थोड़ा खर्चा है बोली थी खर्चा नहीं फीजा बना देता हूं मां देखो सुनो आप ये खर्चा वर्दा बोल तो लोगा नहीं कर रहे आप ये बच्चों के फीसों का कराओ मैं करा देता हूं आप जाओ आपका भी मैटर बना लेते हो लोगा उधर जरा इनका मैटर वगैरह बनाओ लेके जाओ इनको